खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हम इस समय खड़े हैं जिला अयोध्या के फैजाबाद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ कल दिनांक 13/6/2019 से 19/6/2019 तक 33 ट्रेनें रद्द की गई हैं। लोगों के अनुसार ट्रेनें रद्द से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लोगों को एक एक दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जब स्टेशन मास्टर से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया इंटरलॉकिंग का काम चलने की वजह से ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, जो 19 तारीख से ट्रेनें चलेंगी। 13 से 19 तक का शेड्यूल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रेनें 13 से और 14 के बीच कुछ चलेंगी, और 15, 16, 17 को एकदम ब्लॉक रहेगा बिल्कुल। और 18 और 19 में दो एक ट्रेनें आपके बनारस तरफ से आएंगी, 19 के बाद 20 को पूरा खुलेगा काम। जो रूट डाइवर्जन है जी, कहाँ से किया गया होगा? क्या रूट डाइवर्जन आपका? जैसे कि ज़्यादातर गाड़ियाँ आपकी आजमगढ़ सागंज होके आती हैं, बनारस सागंज होके आती हैं, तो सागंज से ही डाइवर्ट हो जाएगा। जाफराबाद होके सुल्तानपुर निकालेंगे कुछ गाड़ी, प्रतापगढ़ होके निकालेंगे। 4-5 साल में हमें मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, बाई चांस कोई डिफ़िकल्टी हो जाए या पर कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह, तो कोई एक आध गाड़ी डाइवर्ट हो जाए तो हो जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से 33 जोड़ी ट्रेनें रद्द हैं। नुकसान तो हमारा मान के चलिए प्रॉपरली होगा ही, क्योंकि जो भी बिजनेस है प्लेटफार्म का, अदर बिजनेस तो है नहीं है। जो भी यात्री आएगा वही हमको खरीदारी करेगा, वही हमें पैसे दे के जाएगा। कहाँ जाएंगे आप? बिलासपुर रायपुर है। तो आज आपकी ट्रेनें हैं कि रद्द हो गई है? आज तो ट्रेन था फिर रद्द हो गया, लोकल ट्रेन में जाना था। तो कैसे जाएंगे आप बिलासपुर? अब वेट करना पड़ेगा हमको। आज आएंगी ट्रेनें? आज तो नहीं मिलेगा ट्रेन। तो कब जाएंगे आप? अब ट्रेन नहीं है तो कल जाएंगे, और की तो सुविधा नहीं है ना हमारे पास, कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो कल तक आप यहाँ पे इंतजार करेंगे जी? इससे आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ट्रेनें रद्द हो गई हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से दिक्कत हो रही है? यहाँ तो दिक्कत सोने को होगा, खाने पीने को होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मेरी भी ट्रेन रद्द हुई है, बहुत परेशानी हो रही है। और यानी 2-2.5 महीने पहले टिकट बुक कराओ, कंफर्म कराओ, पूरा शेड्यूल पूरा प्रोग्राम उस हिसाब से सेट किया हुआ था, और ट्रेन रद्द होने से फिर आगे का प्रोग्राम और पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। किसी की फ़्लाइट हो या किसी को इमरजेंसी हो, सेम टाइम में टिकट अवेलेबल होती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोर्ट आए थे तो अब गाड़ी उधर से लेट भी आई, इधर भी लेट जा रही है। अगर किसी कोई काम है तो भी बहुत परेशानी पड़ती है। बहुत ट्रेन रद्द होने के कारण से बहुत दिक्कत है। ये कब आपको पता है कब से कब की तक मतलब रद्द है ट्रेन? रद्द ये तो बता रहे हैं सर, लोकल जो है वो 8-10 दिन से रद्द है, अब कल से ये भी बंद होने वाला है। तो इससे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहाँ जाना है आपको? पुरानी दिल्ली। यहाँ पे फैजाबाद जंक्शन से आज कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, 19 तारीख तक रद्द है। ये आपने पता किया है? ये हमें मालूम नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, कोई भी बिजनेस हो, 4 आदमी आए वहाँ पर एक रह जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन तभी इन दिनों में 4-5 दिनों में आपका कितना नुकसान होगा? अब यही मान लो कि आप 2,000-3,000 की सेल है तो वही मान लो 1,500 यही समथिंग रह जाती है। हम है देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।